नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र रोहित और आज हम बात करने वाले हैं नक्शा आधारित भूमि अभिलेख की, जो एक एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे लिए प्रोवाइड कराया जा सकता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो त्रिस्तरीय मिरर इमेज मैप है, जिसमें कि तीन लेयर बनाई जाएंगी मैप की। फर्स्ट लेयर होगी सेटेलाइट मैप की, जो मौके की वास्तविक स्थिति, वास्तविक मैड़ें, जो भी कुआ निर्माण, मकान निर्माण, रास्ता वगैरह मौके पर है, वो आपको सेटेलाइट इमेज पे दिखेगा। उसी के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होगी खसरा पार्सल मैप की, जिससे आप ये फाइंड आउट कर सकेंगे कि कौन सा खसरा नंबर किस कहाँ तक कहाँ पर निर्मित है। और थर्ड लेयर जो होगी संरचना पार्सल मैप की होगी, कि उस खसरा नंबर पर जो भी संरचना बनी हुई है, रास्ता मैप, रास्ता मैड़ें, कुआ या आपका मकान जहाँ भी बना हुआ है, वो आपकी थर्ड संरचना पार्सल मैप पर इंसर्ट कराई जाएगी। और ये इंसर्ट कराई गई संरचना का जो रकबा रहेगा वो परत में ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा। अब इस प्रकार के अभिलेख का जो उद्देश्य है वो ये है कि भूमि और भूमि से जुड़े हुए अभिलेखों को सीधे तौर पर उसको निगरानी में रखा जाए कि कहाँ पर कौन सा संरचना निर्मित हुई है, कहाँ पर शासकीय ज़मीन पर कब्जा किया गया है। इस प्रकार की जानकारी जो है हमें डायरेक्टली यहाँ पर कहाँ पर रास्ता बनाया गया है और आपके रिकॉर्ड पर दर्ज नहीं है, ये जानकारी ऑटोमेटिकली आपको कलेक्ट हो जाएगी। और अगला इसका उद्देश्य जो है अधिकतम शुद्धता के साथ और पारदर्शिता युक्त अभिलेख इसमें तैयार किया जा सकेगा। समस्त सीमा, रकबा और कब्जा विवाद को स्वतः ही इसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये मैप जो रहेगा वो उसमें GPS फैसिलिटी है। आपकी जो भी सीमाएं हैं खसरा नंबरों की, वो GPS के माध्यम से आराम से डिटेक्ट किए जा सकती हैं। अभिलेख को शुद्धता के साथ सरलतम रूप से इसमें अद्यतित किया जा सकता है, जो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि आपको जो वर्तमान में अद्यतन की प्रक्रिया है, अगर आपको नाम सुधारना है या बंटवारा करना है तो आपको एक लंबी प्रक्रिया के से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके आप उसमें नामांतरण या बंटवारा कर पाते हैं। उस प्रक्रिया को भी आसानी से इसमें सरलतम रूप प्रदान किया जा सकता है। तो देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। मैंने जैसा कि अभी बताया कि इसमें तीन लेयर होंगी, एक सैटेलाइट मैप लेयर होगी जिसमें आपको मौके की वास्तविक स्थिति के बारे में पता चलेगा, एक आपका डिपार्टमेंट मैप होगा जो कि ट्रांसपेरेंट होगा, और थर्ड लेयर जो है वो इंसर्शन की लेयर होगी, इंसर्ट की ऑप्शन की लेयर होगी कि जहां भी आपको जो भी निर्माण कार्य दिख रहा है वो आप यहां पे इंसर्ट कर सकें। आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, एक एप्लीकेशन है मैप मार्कर जो मार्केट प्ले स्टोर पर फ्रीली अवेलेबल है, और ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं ताकि इस आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो एप्लीकेशन वर्तमान में बनाए जा रहे हैं, जो आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, उसमें कराया जा सके, ताकि इसको अभिलेख के लिए ज़्यादा बेहतर और प्रक्रिया को ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। देखते हैं, ये एक मेरा एक गांव है इटवा खुर्द, और इसकी कुछ खसरा नंबरों को का मैप मैंने क्रिएट किया हुआ है। और इस एप्लीकेशन में जैसे GPS फैसिलिटी थी है, तो आप मौके पर आप कहां पर हैं और खेत कहां पर है, रकबा कहां पर है, ये आप यहां से आसानी से आपको दिख रहा है, तो आप नेविगेट कर सकते हैं। इसके लिए नेविगेशन आपको दिया जा सकता है, जैसे कि आपका आप यहां पर ये आपका खेत है, ये डिटेल यहां पर सारे खेतों की डली हुई है। आप किसी भी खेत के लिए, किसान चाहे किसान को डायरेक्टली ये फाइल सेंड करके, उसके खेत की फाइल सेंड करके उसको नेविगेशन दिया जा सकता है कि भाई आप अपने नाप खेत को कहीं पे भी वो है तो वो नेविगेट कर देगा कि भाई आपको आपके खेत के भिजाने के लिए सीमांकन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सीमाएं GPS के द्वारा आसानी से डिटेक्ट की जा सकती हैं। मतलब कोई भी किसान अपनी ज़मीन को खुद पता कर सकता है और उसकी सीमा संबंधी विवादों को समाप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं, ये तो आपको इस प्रकार से संधारित करके आपको रिकॉर्ड दे दिया गया है, ये बैकवर्ड में बैक एंड पर ये खसरा से लिंक है और खसरा आपके भी अन्य अभिलेखों से लिंक है, तो आप यहाँ पे कोई भी परिवर्तन करेंगे तो ये डायरेक्टली खसरा पे भी वो परिवर्तन हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ कि आपको खसरे पे काम नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली जो भी काम करना है, चाहे नाम परिवर्तन का हो, नक्शा बटांग का हो या फसल फीडिंग का काम हो, डायरेक्टली आपको मैप पे करने दिया जाए ताकि वो एक विंडो पर सारा काम किया जा सके। जैसे आप यहाँ पर नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन में तो डायरेक्टली आप नाम परिवर्तन करने की फैसिलिटी दी हुई है कि आप चाहें तो किसी का भी नाम यहाँ से डायरेक्टली परिवर्तित कर सकते हैं इस तरीके से।
लेकिन यदि एमपी गवर्नमेंट के द्वारा इसको तैयार कराया जाता है तो जैसे 1 से 4 तक की जो जानकारी होती है वो आदेश के बाद ही परिवर्तित होती है, तो इसको लॉक कर दिया जाए और एक आदेश क्रमांक डालने के बाद ही इसमें परिवर्तन करने की फैसिलिटी दी जाए। लेकिन जैसे फसल फीडिंग की बात करें तो डायरेक्टली हमें फसल फीडिंग करना है तो यहाँ जैसे इस प्रकार से ये कलर दिए हुए हैं, ये फसल के नाम दे दें मौसम बार और जो भी हमें फसल डालनी है। जैसे हमें यहाँ पर ये मसूर की फसल डालनी है, उसके लिए हमने ये कोड कलर कोड दे के रखा है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर इतने टाइम में फसल फीडिंग हो जाए। और ये जैसे 1 से 4 की कॉलम की जानकारी को लॉक किया है, लॉक आदेश डालने के बाद ही आप उसको काम कर पाएंगे, उसको परिवर्तन कर पाएंगे। नक्शा बटांग जैसे वेब जीआईएस में करते थे उसी प्रकार से आप इसमें बटांग कर पाएंगे, क्योंकि आपको सैटेलाइट इमेज दिख रही है तो आप इसमें आसानी से कब्जे के आधार पर बटांग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, फसल फीडिंग आप इतनी आसानी से कर सकते हैं जीपीएस के साथ। आप जहाँ जहाँ जिस जिस खेत पे जा रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि जीपीएस एक्टिव ही हो, आप डायरेक्टली कहीं से भी जैसे गिरदावली के समय आप जहाँ से भी जा रहे हैं, जिस भी खेत से जा रहे हैं उस वहाँ से आप इसमें डायरेक्टली परिवर्तन कर सकते हैं। इस तरीके से ये फसल फीडिंग के लिए इतना टाइम कंज्यूम ही, इतनी टाइम में फसल फीडिंग हो जाए तो ये आपका काफ़ी समय बचाएगा और प्रोसेस को इजी करेगा। दूसरी चीज़ कि जैसे 11 कॉलम 11 होता है शासकीय भूमि को अतिक्रमण के कर्ता की जानकारी के लिए, तो ये शासकीय भूमि है। जैसे आप यहाँ पर जैसे ही इसका नाम डालते हो आपने जैसे इस पे नाम डाला और आप यहाँ से डायरेक्ट उसका एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर जो कुछ भी है वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। ये डालने के बाद जैसे ही आप सेव करेंगे तो आप यहाँ डायरेक्टली इसको कॉल भी कर सकते हैं और कॉल करके इनको सूचना दी जा सकती है कि भाई आप जैसे ही इसको ओके कर देंगे तो एक तहसीलदार या जो भी वरिष्ठ अधिकारी आपके हैं उनकी डेस्क पे एक नोटिस क्रिएट हो जाए इनके खिलाफ़ और जुर्माने के लिए इनको नोटिस जारी हो जाए, जो कि पंचायत आईडी पे डायरेक्टली अधिकारी के माध्यम से सेंड कर दिया जाए और इनको संपर्क करके यहीं से डायरेक्टली इन्फॉर्म किया जा सके कि भाई आपने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है, इसका आपका जो भी जुर्माना है वो इतना है और वो शासकीय भूमि का लाभ शासन को प्राप्त किया प्रदान किया जा सके। ये बात 11 कॉलम की थी। अब 12 कॉलम जैसे कि कैफियत में जो भी निर्माण संरचना निर्माण है वो हम 12 कॉलम में प्रविष्ट करते हैं, उसकी प्रविष्टि करते हैं। तो जैसे मौके पर आप देख रहे हैं सैटेलाइट इमेज में भी आपको दिख रहा है कि भाई कहाँ कहीं पे कुआ है, पंचायत के द्वारा बनवाया गया, निजी तौर पर बनवाया गया, जैसा भी कुआ बना जैसे भी तौर पर ये संरचना बनाई गई है, आप उसकी फीडिंग डायरेक्टली मैप की थर्ड लेयर पे कर सको। मैप की थर्ड लेयर पे आप उसकी जैसी फीडिंग करते हो तो वो उतना रकबा जो भी है उसका मकान का कुएं का जो जिसका भी रकबा है वो डायरेक्टली परत में चला जाए और उतने रकबे पे आपको फसल फीड ना करनी पड़े। अगर कोई कॉलोनी वाला एरिया है आप उस पे देख रहे हो कि रास्ता बना हुआ है कहीं, तो आप उतना मैप क्रिएट करके थर्ड लेयर पे जैसे आप देख रहे हैं कहीं कि भाई ये यहाँ पे कुआं बना हुआ है, आप चाहते हैं कि भाई हम इस कुएं को इंसर्ट कर दें, ये जैसे ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन अगर इसको पे सेप इंसर्ट करने का ऑप्शन दे दिया जाए तो आप डायरेक्टली सेप इंसर्ट करके इस कुएं को इंसर्ट कर दिया और ये ऑटोमेटिकली इस खसरा नंबर के 12 कॉलम में फीडिंग हो जाए और वो परत में चला जाए, तो इतना और सिंचाई का साधन भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। अब इस फीडिंग को कहाँ पर कुआ है, मकान है, रास्ता है, सभी लोग चाहे वो किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वरिष्ठ अधिकारी हो, सभी इसको देख सकें। यदि कहीं पे किसी पंचायत के द्वारा
कुएं मकान का या रास्ते का निर्माण ऑन पेपर कराया जा रहा है लेकिन मौके पर नहीं कराया गया है, तो वो उसका आइडेंटिफिकेशन भी आसानी से किया जा सकता है। कहीं पे कुआ है लेकिन अभी लिख पे रिकॉर्ड पर वो दर्ज नहीं है, तो उसका भी आइडेंटिफिकेशन यहाँ से डायरेक्टली किया जा सकता है। इस प्रकार से रिकॉर्ड को टोटल ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है और शुद्ध किया जा सकता है। इसकी एक खास बात ये भी है कि भाई ये GIS बेसिस सिस्टम है, मतलब आपका इस खेत का नक्शे का जो रकबा है ये ऑटो डिटेक्ट करके देता है कि सैटेलाइट इमेज पे ये जैसे 1:23 बता रहा है ये रकबा, लेकिन आपके अभिलेख पे ये जो रकबा चढ़ा हुआ है वो अलग दिखाई दे रहा है। तो आपके अभिलेख के रकबे में और नक्शे के रकबे में एक्चुअल रकबे में जो अंतर है वो भी आप यहीं से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका संशोधन आप कर सकते हैं। और जो भी रकबा संबंधी सीमा संबंधी विवाद हैं, कब्जा संबंधी विवाद हैं, वो डायरेक्टली यहाँ से ख़त्म किए जा सकते हैं। तो ये तो थी राजस्व अभिलेख की संधारण की, उसके अद्यतन की बात। अब संधारण के बाद अद्यतन की एक प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के तहत आवेदन किया जाता है। आवेदन के बाद सूचना जारी की जाती है, आपका जो भी पटवारी से रिपोर्ट पंचनामा मांगा जाता है, इश्तिहार जारी किया जाता है, ये सारी प्रक्रिया को सेपरेटली किया जाकर उसको सरलतम रूप में किया जाकर हम कैसे करेंगे ये, उस नामांतरण प्रक्रिया के लिए क्या स्टेप्स इजी हो सकते हैं वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैप पे एडिटिंग करके आप अपने कार्य को आसानी से कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया को अगर किसी एप्लीकेशन के माध्यम से अगर गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट कराया जाता है तो निश्चित रूप से ही ये बहुत ही लाभदायक होगा राजस्व विभाग के लिए, क्योंकि इसके द्वारा समस्त निर्माण कार्यों की निगरानी की जा सकेगी, शासकीय भूमि की निगरानी की जा सकेगी, तुरंत इस पर अद्यतन का कार्य जो है वो त्वरित हो सकेगा, फसल फीडिंग का काम एक्चुअल और सही हो सकेगा और शीघ्र हो सकेगा, जिससे किसानों को भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा और डेटा भी सही डेटा जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाया जा सकेगा। तो मैं निवेदन करूंगा समस्त वरिष्ठ अधिकारियों से और मध्य प्रदेश शासन के समस्त शासन के अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, कि वो इस प्रकार के आइडिया को अगर संभव हो सके तो वर्तमान टेक्नोलॉजी में इसका इम्प्लीमेंट कराएँ और इस प्रकार का अभिलेख राजस्व विभाग को प्रदान करें जो उसके लिए काफ़ी लाभदायक सरल और ट्रांसपेरेंट रहे, ताकि पब्लिक को भी इसका बेनिफिट दिया जा सके और गवर्नमेंट को भी इसका बेनिफिट दिया जा सके। थैंक यू वेरी मच।